सादर प्रणाम सभी को। मैं नीरजा चौधरी एक बार फिर आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे करंट अफेयर से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण बिंदु की, जो कि जलवायु से संबंधित है। आज हम बात करेंगे जलवायु, हरित जलवायु कोष के विषय में, यानी कि ग्रीन क्लाइमेट फंड के विषय में। हम जानेंगे आज के वीडियो में कि ये चर्चा में क्यों है और जो GCF है उसके क्या कार्य हैं, और GCF से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी हम आज के वीडियो में शामिल करके लाए हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि हरित जलवायु कोष फिलहाल चर्चा में क्यों है। अभी हाल ही में बहरेन में आयोजित एक बैठक में हरित जलवायु कोष ने एक नए निवेश के लिए $1 बिलियन की मंजूरी दी है, और बैठक जो की गई थी ये बहरेन में, उसमें नई परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई है, और जिनमें से एक कार्यक्रम बहरेन में मीठे जल के स्रोतों को सुरक्षित करने से संबंधित भी है। अब बात करें कि जो GCF है, यानी कि ग्रीन क्लाइमेट फंड है, इसके क्या कार्य हैं। ग्रीन क्लाइमेट फंड का जो मुख्य कार्य है वो है विकासशील देशों में जलवायु परिवर्तन से संबंधित परियोजनाओं को, कार्यक्रमों को, नीतियों को और अन्य गतिविधियों को क्रियान्वित करने के लिए कोष की व्यवस्था करना, यानी कि विकसित देशों से कोष लेना है और विकासशील देशों को कोष देना है। हालांकि इसके संबंध में जो विकसित देश के नेता हैं उनका ये कहना है, अगर हम भारत के संदर्भ में कहें तो अमेरिका का ये कहना है कि भारत ये जलवायु कोष से धन अर्जित करने के लिए ये सारी एक रणनीति के तहत काम कर रहा है, मतलब उनकी दृष्टि से भारत को इसकी आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं कि जो इसका लक्ष्य रखा गया है वो 2020 तक जलवायु के लिए $100 बिलियन की राशि जमा करना है, और एक ये कोष ऐसे विकास को बढ़ावा देगा जिसमें उत्सर्जन तो कम होगा और जलवायु परिवर्तन को झेलने की क्षमता ज़्यादा होगी। तो इससे विकासशील देशों को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को रोकने में या उसे घटाने में सहायता मिलेगी। तो ये कोष विकसित देशों के माध्यम से एकत्रित होगा और विकासशील देशों पर कार्य किए करने के लिए प्रयोग किया जाएगा। अब ये कोष उन विकासशील देशों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखता है जहां जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। अब बात करें कि इसके द्वारा जो कोष है, इससे संबंधित जो प्रशासी बोर्ड है उसके विषय में, इस कोष का प्रशासन और पर्यवेक्षण एक बोर्ड के द्वारा किया जाता है जो कोष मुहैया करने से संबंधित निर्णयों के लिए उत्तरदायी होता है। और साथ ही बात कर लेते हैं GCF क्या है। इसकी स्थापना की गई थी 2010 में, और 2010 में विकसित देशों से धन लेकर विकासशील देशों को मुहैया कराने के लिए UNFCCC यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के द्वारा जो भी विकसित वित्तीय प्रणाली है उसके तहत जलवायु परिवर्तन से संबंधित संकटों को कम करने के लिए ये व्यवस्था की गई थी, यानी कि इसको बनाया गया था। 2015 में जो पेरिस जलवायु समझौता हुआ था उस हस्ताक्षर समझौते का ये प्रमुख अंग है। तो अगर जलवायु के संदर्भ में देखें तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगले वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।